मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो जियो जनपद के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ जानकारी और कुछ अपडेट और कुछ बातें आज के इस वीडियो में मैं आपसे कहना चाहूँगा, तो आप जरूर उनका रिप्लाई करिएगा। सबसे पहले इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि इस भर्ती से संबंधित कोई भी वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और जो आपके जियो जनपद के अभ्यर्थी हैं साथी हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा हो सकता है। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि 8 नवंबर को सीजे लखनऊ बेंच में बैठ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई क्योंकि उस दिन हड़ताल थी लखनऊ बेंच में। सीजे बैठे जरूर थे लेकिन ऑर्डर नहीं आ सका क्योंकि केस लिस्टेड भी नहीं हुआ और कोई ऑर्डर दिया भी नहीं गया फिलहाल। निखिल, जैसी मैंने अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो से दी कि दिन सोमवार को सीजे लखनऊ बेंच में बैठ रहे हैं, बिल्कुल सही अपडेट आई, ठीक है। उसके बाद मंगलवार को फिर छुट्टी है, लेकिन बुधवार की यानी कि दोबारा से 14 नवंबर की अपडेट आई, उस दिन भी सीजे बैठ रहे हैं। और जैसा कि अब फाइनली पता चल चुका है कि इस पूरे हफ्ता यानी कि लगभग शुक्रवार तक सीजे लखनऊ बेंच में लगातार शुक्रवार तक बैठेंगे, यानी कि सोमवार मंगल छोड़कर आपको बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार इतने दिन आपको बैठने वाले हैं। और सुनने में भी आ रहा है कि इस हफ्ते में जीरो जनपद का ऑर्डर रिलीज हो सकता है। उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस पहले ही बताया है, नोटिस मिलेगा, एक दिन पहले मिलेगा या हो सकता है उसी दिन नोटिस मिले कि आपका केस आज जो उसका ऑर्डर है वो सुनाया जाएगा, ठीक है, एडिशनल काज लिस्ट में उसका ऑर्डर सुनाया जाएगा। दूसरी यहाँ पर जो लास्ट अपडेट है पहले ये दिखा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़रूरी है। पहले आप यहाँ पर काल लिस्ट हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक अपडेट हो चुकी है, ठीक है। चलिए लखनऊ बेंच ओपन करते हैं, डेली काल लिस्ट ओपन करते हैं, देखिए हम इस पर गो बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद कोर्ट वाइज देखते हैं, केवल 14 तारीख तक यहाँ पर काल लिस्ट अपडेट हुई है, ठीक है। हम कोर्ट वाइज पर जाते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो यहाँ पर इस कैप्चर कोड को भी डाल देते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं ED और उसके बाद है 9 और फिर यहाँ पर 30F, ठीक, और फिर बैक आने के बाद हम सबमिट कर देते हैं, और यहाँ पर चीफ जस्टिस पहला ही ऑप्शन है उस पर हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने सबमिट कर दिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चीफ जस्टिस 14 नवंबर को भी यहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है। 14 नवंबर को सुबह 10:15 बजे से बैठेंगे, फिर उसके बाद 2:30 बजे से लगातार फिर बैठेंगे। अब आगे की जो 15 नवंबर की लिस्ट आएगी, 16 नवंबर की लिस्ट आएगी, उसको भी चेक करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला था, साथियों मैं चाहता हूं कि जो अभी तक मैंने वीडियो डाले पिछले उनमें 1,000-1,200 के आसपास व्यूज आए वीडियो पर, ठीक। तो इससे एक अनुमान लगता है कि लगभग 1,000 या 1,500, बहुत ज़्यादा मान लेते हैं कि 2,000 अभ्यर्थी जीरो जनपद के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं वो बचे हुए हैं जिनको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो मैं यहाँ पर केवल यह चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी जीरो जनपद के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो केवल इस वीडियो में यह कमेंट करें कि उनके अनुसार इस समय जीरो जनपद में कितने अभ्यर्थी बचे हैं। जो भी कैंडिडेट देख रहा है, यानी कि लगभग अगर 1,200 लोग भी देखते हैं इस वीडियो को, तो 1,200 में 1,200 अभ्यर्थी यह कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अनुसार कितने कैंडिडेट यहाँ पर बचे हुए हैं, जिससे एक अनुमान लगाया जा सके कि कितने लोगों को लगभग यहाँ पर जॉब चाहिए, कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे आपको इसका फायदा मिलेगा, बहुत सारे कैंडिडेट जो सेलेक्टेड लिस्ट में है उनको तो मिलेगी, जो सेलेक्टेड लिस्ट में नहीं है उनके लिए भी यहाँ पर इससे फायदा होगा। मेरे अनुमान क्या है वो मैं आपको जल्द ही बताऊंगा, लेकिन आप यह कमेंट करके जरूर बताएं। सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कमेंट जरूर करिएगा कि आपके अनुसार कितनी अभ्यर्थी बचे हुए हैं, ठीक है, ये जरूर आप कमेंट करें। और इतनी ही अपडेट थी आज की इस वीडियो में, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी आगे की, जैसे ही केस लिस्टेड होता है। तो
तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ और जवाब जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए भर्ती से संबंधित।